दोस्तों नमस्कार, आज मेरे पास है जियो का F61F मोबाइल। पहले आपको इसका मॉडल चेक करवा देते हैं, देख लीजिए। दोस्तों इसमें रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह मोबाइल जियो लोगो पर अटक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम फ्लैश करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के ऊपर। दोस्तों हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखिए मेरे डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर पड़ा हुआ है, इसे हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। इसमें देखिए फ्लैश फाइल और फ्लैश टूल है, जल्दी से हम इसे फटाफट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। टूल और फ्लैश फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने दोनों जीप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया हूं। अब हम टूल वाले फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे। नीचे एक एप्लीकेशन दिखेगा अपग्रेड डाउनलोड, इसे हम डबल क्लिक करके रन कराएंगे। दोस्तों मैंने टूल को रन करा लिया हूं, अब हम चलेंगे लोड पैक्ड ऑप्शन पर। इस पर हम क्लिक करेंगे और मैंने मेरे फाइल जहां भी रखा हूं उस लोकेशन को मैं ब्राउज करूंगा। तो मैंने मेरे फाइल को रखा हूं डेस्कटॉप के न्यू फोल्डर में, तो चलिए चलते हैं न्यू उसी फोल्डर में ब्राउज करते हैं। डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे और ये फोल्डर है फ्लैश फाइल का, इसे हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ पर एक और फोल्डर है फर्मवेयर बोल के, इसे हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और आप देख पा रहे हैं ये है पैक फाइल, इसे हम एक बार क्लिक करेंगे इसके ऊपर और फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों नीचे लोड होना चालू हो गया है, कुछ सेकंड में ये लोड हो जाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे। ऊपर देखिए फ्लैश फाइल का टाइटल आ गया, अब हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया हूँ, अब मैं डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है या नहीं। दोस्तों मोबाइल को पावर ऑफ कर लेना है, उसके बाद ये जो राइट साइड वाला ऊपर जियो बटन है इसको दबा के हम यूएसबी केबल को इंसर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों टूल ने फोन को डिटेक्ट कर लिया है और फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो गया है। अब हम मोबाइल को नीचे रख देंगे और इधर देखिए डिवाइस मैनेजर में पोर्ट भी शो कर रहा है। जब तक फ्लैश होता है तब तक हम थोड़ा वेट कर लेंगे। जो दोस्त मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर पास लिखकर भी बता दिया है। अब हम स्टॉप पर क्लिक करेंगे और मोबाइल को करेंगे प्लग आउट, उसके बाद करेंगे पावर ऑन। देखिए दोस्तों हमारा फोन सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, अब हम इसका सेटअप कर लेंगे। तो यही थी वीडियो दोस्तों, पसंद आए वीडियो को तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।